हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहु। अच्छा शेख, बोल रहे हैं कि हम सफर में गए 102 किलोमीटर और उसके बाद मगरिब की नमाज वहाँ अदा कर लिए और 91 किलोमीटर के अंदर में सफर का मैंने ऐसा का टाइम हो गया मेरा, मैंने जो इस्लाम 360 के हिसाब से। तो फिर हम घर पे चले आए, तो घर में कसर पड़ेंगे कि आपका हज्र पड़ेंगे? आप जब घर में पहुंच गए तो आप पूरा पढ़ेंगे मुकम्मल। तो मेरा तो टाइम आपका कसर में हुआ था ना, ऐसा का अभी टाइम खत्म नहीं हुआ है ना, आपका टाइम तो बाकी है अभी, ऐसा का टाइम खत्म थोड़ी हो गया है। टाइम खत्म होने से पहले आप घर पहुंच गए और सफर की हालत, सफर आपके पास उज्र था तो वो उज्र तो खत्म हो गया भाई। कसर क्यों अच्छा। करते हैं? उज्र की वजह से करते हैं। जब आपका उज्र खत्म हो गया तो आप क्यों करेंगे कसर? जी अच्छा, तो आपसे अगर अच्छा, कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि आप कसर क्यों करते हैं तो आप कहोगे सफर की वजह से, तो सफर तो खत्म हो गया, उज्र खत्म हो गया, तो आप कसर क्यों करेंगे? आप मुकम्मल पढ़ेंगे। हाँ, मगर टाइम अगर हो जाए भी तो हम आके घर पे पूरा नमाज को मुकम्मल करेंगे ना जी। अगर आप नमाज पढ़ने से पहले घर पहुंच गए तो मुकम्मल पढ़ेंगे। नहीं, नमाज पढ़ने से पहले नहीं, जैसे मान लीजिए आते थे मेरा 10-11 बजे रात, तो अभी टाइम तो मौजूद है ना, 10-11 बजे ईशा का टाइम खत्म नहीं हो जाए जी। नमाज का टाइम मौजूद है ना ईशा का? जी जी, ठीक है साहब।